कई बारी भुखे रहना पैंदा, कई बारी आराम नहीं मिलता, पर मैं आप जी नूं छड़ के नहीं जा सकता। सच्चे पातशाह आखन लगे फिर पानी पीना, कहिंदा महाराज छकना है जा फिर द्वारा जा हुण मिल जाएगा। कहिंदा महाराज एड्डी दूर फिर चढ़ाई चढ़ के जाना पएगा। महाराज कहिंदे जा सत बचन कह दिंदा सी, जो महाराज ने कहना सत बचन। दूजी दफा गया, हौली हौली चढ़िया, थक गया। उन्हें वेख्या फिर वो तू फिर आ गया। भाई मरदाना आखन लगा जी पानी पीना, वो जे पानी पीना तो मेरा सेवक बनना पैना, तेनू पहला भी कहता मंजूर है। कह लगा जी तुसी पानी पिलाओ, आ गल ना करो सेवक बनना, इन्नी गल पीछे सेवक गुरु छड़ दे अपना, माड़ी जी गल पीछे। कहिंदे फिर जे पानी पीना फिर तो तेनू छड़ना पैना। कहिंदे तू अपना मूँह वेख, किथे मेरे सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं वेख के भुख लै जांदी, तेरियां खट्टियां अखां वेखण नूं जी नहीं करदा। मैं गुरु नानक साहब दा सेवक, मैं उन्हां दा रबाबी। मैं उस वेले आख्या तू मैं इन्नी गल पिछे छड्ड दिया, ये नहीं हो सकता। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह नूं मैं नहीं छड्ड सकदा। वह मैनू इन्ना इदां कहिंदा, गुस्सा चढ़ गया उन्हूं, जा दौड़ जा इतों कोई पानी नहीं मिलना। भाई मरदाना थकिया फिर आ गया, महाराज वो बड़ा बिगड़िया, वह नहीं मानता। महाराज कहिंदे एक करी होर जा, इन्हां महाराज इत्थे ही तुसी जो सजा देनी दे लो, हुण नहीं छड़दा, बाबा बड़ा डब्बे, तुसी कृपा करो, तुसी मैनू कृपा करके इत्थे ही जल छकाओ। तू कृप सच्चे पातशाह मेहर करो, दुध कोधरे चो कढ़न जाणना है, मैनू पानी हो रहा टरका बाबा, दुध पा तू कोधरे चो जो दुध कढ़ सकना तो पानी पिछे मैनू टाली जाते हो। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे नहीं, एक करी जा फिर। सत बचन कहता तुरिया जांदा नाले, हाँ जी हाँ जी, औखा जिहा हो के गया। हुण दीदी आ रही हिम्मत नहीं सी, उहनूं डर लगदा सी वी उह बाबा पता नहीं की करेगा, हुण गुस्सा बड़ा उहनूं। तीसरी वारी भाई मरदाना गया, जदों लगा पानी पीण उहनूं फिर पता लग गया, मरदानिया फिर आ गया, तू बन जा मेरा चेला, पानी मिल जाए। कहिंदे मैं तेरा चेला नहीं बनना, टोबे छप्पड़ां विच नहीं हाथ पाउंदे, लाउंदे सागरां विच जो तारियां, वो कदे बगलियां विच नहीं रल पैंदे हंसां नाल जिन्हां दियां यारियां ने। हंसां नाल यारियां लाउण वाले बगलियां विच क्यों बैठणगे रल के,
मैं गुरु नानक साहब जी का सेवक टोभे छप्पड़ा में हथ पाव कि जेडे गुरमुख गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह नाल जुड़े हुए ने भुल के भी वहमां भरमां विच नहीं पैंदे कर्मकांडां विच नहीं पैंदे पखंडियां दे पिछे नहीं लगदे भावे कोई होवे वो किसे दे वल नहीं झुकणगे एक जगह प्रतीत रखते ने एक जगह भरोसा रखते साध संगत भाई मरदाना उस वेले आखन लगा मैं गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दा सेवक हां मैं तेरा चेला नहीं बनना तेरा चेला बन जा तू अपने वल वेख उहनूं गुस्सा चढ़ गया भी छड़दा ही नहीं खेड़ा हाथ विच सोटा फड़ के भाई मरदाने दे मगर दौड़िया भाई मरदाना अगे अगे दूर तक छड़न आया पिछे तक भज्या आया भाई मरदाना गुरु नानक साहब नूं दूरों ही कही जे सच्चे पातशाह पहला मेरी सुन लिओ फिर हुक्म करिओ तुसीं हुक्म कर देंगे मैनू सत बचन कहना पैंदा मैं मोड़ सकदा नहीं तुहाडी दूरों ही कहिंदा आवे मेरी सुन लिओ पहला फिर हुक्म करिओ महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे दस मुदड़े मूंह डिग पिया कहिंदा महाराज पानी महाराज कहिंदे पीआं कहिंदा महाराज हुण ते मेरा पानी मुक्कण वाली है हुण तीजा गेड़ा लवाता तुसीं हुण कृपा करो बख्शिश करो ओह नहीं मानदा धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहिंदे सर लै हुण पिया प्याने पानी ते नरी जा नहीं ना मन्निया लै हुण पी पानी जदों महाराज ने इदां आख्या सचमुच वह उपरला तालाब खाली हो गया चश्मा बन के पानी थले आ गया जिथे महाराज ने पानी आ रहा थले भाई मरदाना एकदम मुदड़े मूह पिया एकदम कहना महाराज पानी की आवाज आ रही चलता पानी पत्थर नाल वजना पानी आ गया लग गए भाई मरदाना खुश हो गया अगों की लंघदा चश्मा पर बुक पानी पी रहा है कहना धन सच्चे पातशाह एवें मेरे गेड़े लवा दिया हुण वेखो पानी प्रगट कर दिता ये छकदे दा ध्यान गया ना उपर जदों वली कंधारी ने उत्तों पत्थर सुटिया उहदे विच करामात ते सी रिद्ध सिद्ध नावै की दासी जिहड़ा माड़ा मोटा रब रब करदा है ना उहनूं रिद्धियां सिद्धियां आउणियां शुरू हो जांदियां पर कई रिद्धियां सिद्धियां विच ही फस जांदे इत्थे ही खलो जांदे ते उह उहने करामाती सी उहने अपनी सिद्धी नाल पत्थर सुटिया इक उत्तों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं कहिंदा लो सच्चे पातशाह अज नहीं आपां बचदे घर बार छड्डी फिरने आ इत्थे जंगल च सानू रोना भी किसे ने नहीं दफनाउणा भी किसे ने हुण नहीं बचदे ओ पत्थर आ रहे हो महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने चिंता ना कर मरदानिया कहिंदा महाराज हुण नहीं लुकिया जरूर पर गुरु नानक साहब दे पिछे ही लुकिया भज्जिया नहीं भी मैं परां हो जां पत्थर दे इत्थे डिगे गए महाराज दे पिछे लुक गया छड के नहीं महाराज सच्चे पातशाह नूं गया धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह बैठे कहिंदे चिंता ना कर वेख मरदानिया तू रंग करतार दे आपे मर जांदे जिहड़े साधुआं नूं चिंता ना कर मालक ते भरोसा रख उहदे ते जिहड़ा टेक रखदा उहदा वाल विंगा नहीं हुंदा भरोसा रखे जिहड़ा प्रतीत रखे सत संगत महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने चिंता ना कर मरदानिया मालक बचाउण वाला इहने नूं मरदाना सोचता है भी हुण नूं ते आ जाणा चाहीदा सी इसते गल्लां मारी जांदे बैठे हो आया नहीं हुण तक पत्थर भाई मरदाने ने अखां बंद कीतीआं ते इकदम अखां खोल के वेख्या महाराज ने पंजा ला के वह पत्थर रोक लिया ध्यान दिओ जरा पंजा ला के महाराज ने पत्थर रोकिया पंजा लग्या होया पाकिस्तान हुण वी है उत्थे ते पंजा लगा है एक लेह लद्दाख की धरती ते महाराज गए आ तुसी पिछे जे बड़ी खबर सुनी होएगी चैनलों उत्ते भी पेपरां च खबी खबरां छपियां कि लेह दे विच एक बदल फट गया बदल फटन करके हजारां लोग मर गए हजारां लोगों की मौत हुई बदल फटिया लेह लद्दाख की धरती जदों आपां इंडिया जाओ कदे तुसी आपां मणिकरण साहब कई लोग जांदे ने जदों मणिकरण साहब जाइए तो एक पासे कुल्लू आउंदा है कुल्लू तो अगे मनाली मनाली तो 300 किलोमीटर अगे पैंदा है लेह लद्दाख
लेह की धरती ते गुरु नानक साहब का अस्थान है। पंजा साहब विच ते कल्ला पंजा ही लगे है। लेह लद्दाख की धरती उत्ते गुरु नानक साहब उत्ते पत्थर सुटिया सी, उत्ते महाराज का पूरा शरीर छपया हुआ है। मिलटरी वालियां दे अंडर है वह गुरुद्वारा। साढ़े सिंह गए पिछले साल उत्ते प्रोग्राम करके आए, संगत गई पूरी एक जहाज भर के प्लेन पूरा लेके गए। सारी संगत उत्ते गुरु नानक साहब का अवतार पुरब मना के आई। मिलटरी वालियां दे अंडर गुरुद्वारा है, चौंकड़ा मार के महाराज सच्चे पातशाह बैठे है। एक पासे पत्थर जदों महाराज उत्ते सुटिया पूरा शरीर छपिया है। वो शरीर नू वेख के पत्थर नू वेख के इदां लगता भी सचमुच महाराज दा, क्योंकि तस्वीर दे उत्ते जिदां बनाईयां हुंदियां ने, भावें ये चित्रकार की अपनी कल्पना है, पर वो पत्थर नू वेख के इदां लगता है। वो पत्थर मोम हो गया सी, महाराज का अद्धा शरीर उहदे विच छप गया, अद्धा शरीर विच धस गया। उवें इदां लगता भी चौंकड़ा मार के धन गुरु नानक साहब बैठे। लखां दुनिया उस पत्थर नू मत्थे टेक दी, नमस्कारा कर दी। पंजा साहब की धरती उत्ते जाके वेखो, बड़े लोग ने ननकाणा साहब पंजा साहब जांदे। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दा जिथे पंजा लगा है। पंजा गुरां ने पहाड़ उत्ते लाया, पत्थरां दा मुल पंजा साहब पत्थर ते पंजा लाता, पंजा साहब बन गया। किते दातन करके गड़ दिती किकर साहब निम साहब, जेड़े दरख्तां थले भी बह गए महाराज उन्हां नूं भी साहिब बना गए, उन्हां दे नावां नाल भी साहिब लग गया। किड्डा वड्डा सत्कार उस पत्थर दा हो रहा जिथे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने पंजा लाया। बड़ियां संगतां दूरों दूरों दर्शन करन वास्ते पंजा साहब की धरती ते जांदी। पंजा साहब का जिहड़ा साका होया, मैं गल ते साके दी करनी चाहुंदा सां कि ननकाणा साहब ते पंजा साहब दे जिहड़े साके होए ने, एक महंत करवाउण वाला है, एक पासे ओ महंत है जिहड़ा पंजा साहब दे साके विच सब तों अगे हो के शहीद हुंदा। पर हुण 9 वज गए ने, समां आ गया नीलन। मेरी अर्ज संगत दे चरणां विच पहली ए कि जिन्ना चिर मर्द साहब इत्थे ने उन्ना चिर किसे ते उठना नहीं। यह जरूरी जरूरी बेनती, पहली बेनती यह जरूरी। दूसरी बेनती कि अमृत छकण वास्ते कल प्रबंधकां ने तुहानू प्रोग्राम दिता है कि सवेरे अमृत संचार होना है, किन्ने बजे? 3:30 बजे इसे गुरद्वारा साहब। मेरी अर्ज है संगत जी, भावें वर्किंग डे है, कमांकारां वाले ने सारे, किसी ने किसी जॉब पर जाना है, किसी ने कितने, किसी ने किमें, मैं पता है ज़्यादा लेट मुश्किल हो जाती है, पर फिर भी आप जी के चरणों में बेनती करांगा कि सतगुरु जी का जिन्ना सत्कार किया जाए उन्ना ही साडा हुंदा है। गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार मुख रखते हैं, जिन्ना चिर सच्चे पातशाह इत्थे ने उन्ना चिर किसी ने उठ के नहीं जाना। सतगुरु जाणगे फिर आपां आपो अपने घरां नूं चाले पावांगे।
कल का दीवान इस स्टेज पर होएगा तो करके रह गया इतिहास कल नूं बाकी दा रल मिल के विचारा। मेरी संगत के चरणों बेनती है कि जिन्ना चिर महाराज साहब इत्थे ने उन्हां चिर किसी ने उठना नहीं, बस पांच सत्त मिनट कृपा करके बैठो। जिन्हां ने अमृत छकना है वह तकरीबन दिने साढ़े तीन बजे दर्शन देने की कृपालता करनी। इसे गुरद्वारा साहब अमृत का बाटा तैयार होएगा। वीर भरा भैन मातावान कल अमृत संचार जो कि स्टॉकटन गुरद्वारा साहब के कल अमृत संचार होया, तीन दवान लगे कल अमृत संचार उत्थे होया, कल नूं इत्थे होएगा। उस तो बाद इस बरांडे गुरद्वारा साहब के भी अमृत संचार होएगा। फ्री माउंट दवान लगने ने उत्थे भी अमृत संचार होना है। बिकस फील्ड दवान ने उत्थे भी अमृत संचार होना है। एल ए विच प्रोग्राम दिते ने उत्थे भी अमृत संचार होएगा। सो जिन्ने प्राणी तैयार होणगे कल नूं जहाजे चढ़ा दिते जाणगे। वीर भरावां नूं भैणां मातावां नूं अर्ज करांगा कि वध तों वध गुरु वाले बनण लई अपना मन बनाओ। बहुत सुंदर इमारतां बन रहीआं ने, सारीआं संगतां ने प्रबंधकां दा डट के सहयोग देना है। सारी संगत दे सहयोग नाल ही एड्डीआं वड्डीआं एड्डे वड्डे प्रोजेक्ट जिहड़े ने उह कामयाब हुंदे ने। है तो सच्चे पातशाह दीआं बख्शिशां कृपा गुरु साहब दी है, पर संगत दे सहयोग दी वड्डी लोड़। प्रबंधकों वालों बेनती है कि सारे रल मिल के साथ दिया करो। ये सारियां दिसदा ही है, किसी तो लुकी छिपी गल नहीं। सब नालों वड्डा अस्थान जे इंडिया तो बाहर कोई बन रहा है तो यह अस्थान की बिल्डिंग है। बहुत सुंदर इमारत बन रही है। ये तुहाडे वास्ते एक अजूबा ही बन जाना है, संगतां वास्ते साढ़े अजूबे तो साढ़े गुरु घर ही ने, बाकी अजूबे जिन्हें मर्जी हो जाण। सच्चे पातशाह का दर घर जिन्ना सोहना दरबार गुरु साहब का होएगा, उन्नी ही साथ संगत बरकत गुरु साहब पाते हैं। मेरी अर्ज है कि वध चढ़ के संगत ये वास्ते सहयोग दें ते प्रबंधकों का साथ दौ। बाकी अमृत छकन वाले साढ़े तीन बजे पहुँचने की कृपालता करो। जिन्हें जिन्हें ने गुरु वाले बनना है साढ़े तीन बजे दर्शन देने की कृपालता करनी। सारी संगत गज के आनंद साहब बोलो, फिर अरदास जुड़ने हैं, फिर हुक्मनामे सुनने ने, फिर महाराज साहब निज अस्थाना वाल प्रस्थान हो गए। बाद में सारिया संगत ने आपो अपने घर चाले पाने, पहला जाने की किसी ने खेचल नहीं करनी। सच्चे पातशाह अगे अगे जाएंगे, फिर सारिया संगत ने आपो अपने घर चाले पाने। कल फिर इस तरह वध चढ़ के पहुँच के दर्शन देने, कम नहीं मुकने। कम मुकाउंदिया मुकाउंदिया असी आप मुक जाना है। कोई पता नहीं किहड़े समय काल रूपी फरिश्ते ने आके झपट मार लेनी, ढिल नहीं करनी चाहिए। वध चढ़ के पहुँच के सारिया ने कल फिर दर्शन देने। कोटान कोट वार शुक्र गुरु ग्रंथ साहब जी का, जिन्हां ने रल मिल के बैठन का सानू सारिआं नूं समां दित्ता है। सारी संगत गज के आनंद साहब विच बोलो। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, गुरना पाया मैं किसे दी। I'm not going to be able to do that.
सगल मनोर पूरे उपरोक्त संतापी उतने सुनी सच्ची वाणी I'm
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। वाहिगुरु तुम पहरदास जियो पे